जय हिंद स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन एंड टुडेज टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, यहाँ एक बड़े से बॉक्स में कुछ राइट है, तो चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। इफ जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, नथिंग हैपन्स। मीन्स अगर किसी नंबर में से जीरो को माइनस किया जाता है, सब्ट्रैक्टेड किया जाता है, तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कोई फर्क उस नंबर पे नहीं पड़ता है। ठीक है, द नंबर रिमेन्स द सेम, नंबर वो सेम ही रहता है। बिकॉज जीरो मीन्स नथिंग, क्योंकि जीरो मीन्स क्या होता है? नथिंग। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, बेटा देख सकते हो आप एक प्लेट में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको आपको बता रही हूँ, एक प्लेट में 5 ऑरेंजेस है, फिर बीच में देखिए क्या है, मिडिल में किसका साइन है? माइनस का। अब सेकेंड प्लेट देखिए, वो क्या है? एम्प्टी, यानी खाली है। खाली मीन्स जीरो, और जीरो मीन्स नथिंग, है ना? तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम जीरो राइट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो लिखा है, जीरो ऑरेंजेस। तो देखिए, 5 ऑरेंजेस में से अगर आप माइनस करते हैं जीरो ऑरेंजेस को, तो क्या आएगा? इक्वल टू 5 ऑरेंजेस। क्यों? बिकॉज 5 माइनस जीरो इक्वल टू 5, यानी 5 में से अगर हम जीरो को माइनस करते हैं तो 5 ही आएगा। इससे पहले क्या, जो आपका क्लास था उसमें आपको याद है ना कि हम प्लस क्या करते थे? जैसे फर्स्ट कह रही हूँ, सॉरी, 1 में अगर जीरो माइनस, सॉरी, 1 में अगर हम जीरो को प्लस करें तो 1 ही आता था, अगर 4 में हम जीरो को प्लस करें तो 4 ही आता था, है ना? यानी किसी भी नंबर में हम जीरो प्लस करते थे तो सेम नंबर आता था, है ना? क्योंकि जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेम यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को माइनस करते हैं तो सेम नंबर आएगा। ठीक है, सो नंबर माइनस जीरो इक्वल टू सेम नंबर, यानी अगर कोई नंबर है उसमें से हम जीरो माइनस किया तो हमारा नंबर सेम आएगा। अब देखिए एक्सरसाइज फिल इन। अब इसमें आप देख सकते हैं, फर्स्ट का ए, अगर हम 1 में से बेटा जीरो को माइनस करते हैं तो हमारा सेम आएगा, यानी 1 ही आएगा। 2 में से अगर हम जीरो माइनस करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2 ही आएगा। ओके, सेम ऐसे ही 3 में से अगर हम जीरो माइनस करते हैं तो 3 ही आएगा। मीन्स किसी भी नंबर में हम जीरो प्लस कर दें या जीरो माइनस कर दें, ठीक है, उस डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग, है ना? अब ऐसे ही देखिए, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस इज इक्वल टू 6, सॉरी, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। ऐसे 3 का देखिए ए, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, 3 का बी, 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8, एंड 3 का सी, तो देखिए बेटा इसमें भी क्या है, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9। ठीक है, यानी आप किसी भी नंबर में से 0 माइनस करें या प्लस करें, हमारा वही नंबर आने वाला, उस नंबर पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जीरो मीन्स नथिंग। अब देखिए एक सेकेंड कंडीशन है इसके साथ, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे 3 पिक्चर्स बनी हैं, है ना? अब क्या करिए पिक्चर्स, हम इसको देखेंगे। टू बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस, टू बर्ड्स सिटिंग है, दो बर्ड्स बैठे हुए हैं ब्रांच पर, बोथ फ्लू अवे, और दोनों ही क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। नो बर्ड्स लेफ्ट, कोई भी बर्ड अब नहीं रह जाता, है ना? यानी दो बर्ड्स थे, ठीक है, और दोनों ही चले गए कहीं, ठीक है, तो अब ब्रांच पे क्या रहा? ब्रांच पे कुछ नहीं रहा, यानी अगर 2 में से 2 माइनस हम कर दे रहे हैं तो क्या होगा? इक्वल टू 0। ठीक है, पहले वाली कंडीशन दूसरी थी, ये कंडीशन दूसरी है। पहले हम किसी नंबर में से 0 माइनस करते थे तो वो नंबर आता था, और यहाँ किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, सो नंबर माइनस सेम नंबर इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्सरसाइज भी है फिल इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी। सपोज मान लीजिए 1 है ना? अगर 1 में से 1 को ही माइनस कर दें तो क्या आएगा? 0। 2 है, 2 में से 2 को ही माइनस कर दें तो क्या होगा? 0। 3 है, 3 में से 3 को ही माइनस कर दें तो क्या आएगा? 0। ठीक है, यानी किसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर देने पे
आंसर हमारा जीरो आएगा। लाइक आप कोई भी नंबर वो कर सकते हो, लाइक फाइव में से फाइव को ही माइनस कर दो, जीरो आएगा। सेवन में से सेवन को ही माइनस कर दो, जीरो आएगा। नाइन में से नाइन को ही माइनस कर दो, जीरो आएगा। फिफ्टी में से फिफ्टी को ही माइनस कर दो तो जीरो आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि ट्वेंटी में से टेन को माइनस करेंगे तो जीरो आए, ठीक है, क्योंकि नंबर डिजिट हमारे जो हैं वो सेम होने चाहिए। लाइक थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जब दोनों नंबर सेम होंगे तभी माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए हैं कि जीरो के साथ ये जो दोनों कंडीशंस हैं वो क्या हैं। अब इसको बेटा एज अ एक्सरसाइज आपको, ये एज अ आपका होमवर्क है, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट, जय हिंद।